मेरा नाम कुशल कुमार, ये क्या सोनेट का STK प्लस वेरिएंट। और अब क्या सोनेट को कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएं, डेटा स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो, फोगल लैंप जैसे फीचर्स सभी रहे, तो आप इसे STK प्लस वेरिएंट को देख सकते हैं। इस समय मैं खड़ा हूं ABS किया शोरूम पर रुड़की उत्तराखंड में। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनका शोरूम हरिद्वार में भी है। दोनों शोरूम के कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर भी शो ही होगी। क्या क्या कोई सी भी कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। मैंने आपको STK प्लस IMT वेरियंट भी दिखाई दिया था जिसमें आपको संदूक और इसके अलावा कुछ और फीचर्स दिए जाते हैं, उन सबके बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग रहने वाला वो उस कार का प्राइस ही है। 11,40,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी। और लुक भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लगता है इस कार का एक्सटीरियर से। और इंटीरियर से तो आपको पूरी टॉप मॉडल की तरह लगेगी, बस थोड़े बहुत फीचर्स की कमी रहने वाली है, सनरूफ हो गई। क्या सुन रहे हो, काफी टाइम हो गया मार्केट में आते हुए पर लेकिन अब भी बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगती है। तो चलिए फिर चाहे तो मैं की से गुजर गया, आपको उसका की मिल जाएगी। कीलेस एंट्री रहने वाली है। डोर हैंडल पर आपको रिक्वेस्ट सब बटन मिल जाएगा। लोक अनलॉक आपको यहाँ पर दिया जाता है कार की बूट को लॉक करने के लिए। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहेगा यहाँ पर बल्ब। DRS आपको इस वाले वेरिएंट में ऑफर नहीं करी जाती है। और ये रही ग्रिल इस कार की। किया का हो गया यहाँ पर लोगो, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। क्रोम दी गई है आपको ग्रिल। और ये रही हैलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, साइड में क्रोम दिया गया है। नीचे की साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। 16 इंच के आपको उसमें स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाएंगे जो कि देखने में पूरे एलॉय व्हील्स की तरह लगते हैं। 215/60 R16 की प्रोफाइल रहेगी। इनसे ऊपर साइड हो गए क्लैडिंग जो कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है। और ये रहा इस कार का वॉल्यूम जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा। LED इंडिकेटर्स आपको इसके वॉल्यूम पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का। ऊपर साइड होगी रूफ रेस। सनरूफ इस वाले वेरिएंट में नहीं दी गई है। डोर हैंडल्स हो गए यहाँ पर बॉडी कलर के। और ये रहा इंटीरियर इस कार का। सभी बढ़िया फीचर्स आपको उसके इंटीरियर में दिए जाते हैं। क्या क्या फीचर्स दिए गए इंटीरियर वो मैं सब कुछ वीडियो में बात कर लेंगे। फ्यूलिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड। फिर ये रही कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। और ये रही बैक प्रोफाइल। ऊपर की साइड हो गया शार्क फिन एंटेना, रेड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोगर मिल जाएगा, वाइपर वॉशर जैसे फीचर्स में नहीं दिए गए। और इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है, इंडिकेटर और बैक लाइट में भी। किया का हो गया यहाँ पर लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया। सोनेट की बेजिंग रिफ्लेक्टर्स, दो पार्किंग सेंसर्स रहेंगे बैक में। अगर आप सेल्टोस देखते तो आपको उसके बेस एंड से चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ। तो वैसे उतना बूट स्पेस रहेगा इस कार में। 5 ट्रे दी जाती है आपको यहाँ पर। लगेज लैम्प नहीं है। और ये रहा इसका स्पेयर व्हील जो कि 15 इंच का रहेगा। एक प्रोफाइल छोटी रहने वाली है स्पेयर व्हील की। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा इसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्टर फोग लैंप्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर, रियर कैमरा, रियर पास्टर ट्रे, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर से मिल जाते हैं। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहेगा वो उस कार के इंटीरियर में रहेगा। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो क्वालिटी फीचर्स दिखा दूंगा। 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है STK और STK प्लस वेरिएंट में। और जैसे देखो कितने फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बस आपको इसमें STK प्लस वेरिएंट होने के बाद भी इसमें आपको LED हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, LED RS नहीं दी जाएंगी, ना ही LED टेल लाइट। कुछ ऐसे फीचर्स आपको एक्सटेंशन नहीं मिलते हैं STK प्लस वेरिएंट में। अगर आपको ये वाले फीचर्स चाहिए तो आप इसके अपर वेरिएंट्स को देख सकते हैं। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का CRDI WGT इंजन मिल जाएगा 1500 CC का, जो कि प्रोड्यूस करता है 98 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो चलिए फिर मैं आपको उसका इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर का, जैसे आपको बताया रहा था ब्लैक कलर में रहने वाला है। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर नो के सिल्वर कलर का। चार पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए लॉक अनलॉक के लिए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो गए इस कार के ORBM। बाटरबोर्ड के स्पेस हो गया और स्पीकर दिए जाएंगे। और बाहर से देखने में कुछ अलग लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हेडमैन का हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर नो हो गया सिल्वर कलर का। पावर विंडो हो गई, बाटर बोर्ड की स्पेस हो गया, डोफेन स्पेस। तो ऐसा कुछ तरह का रहने वाला है इंडिया इस कार का। सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, आपको क्या क्या ऑफर करे जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। किया का हो गया लोगो, सिल्वर फिनिश। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। और ये रहा सेंटर कंसोल। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाएंगे, कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल हो गई, AC। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। साइड में सेल्फ फिनिश दी गई है। 12 वोल्ट का हो गया यहाँ पर पावर सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस हो गया। और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार।
यहाँ पर आपको सोलोफिनिश मिल जाएगी, का फोल्डर्स हो गए, वो आमरेस विद स्टोरेज रहेगा ये, और ये लेदर में रहने वाला है, और ये रस्का का सनवाइजर वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर हो गया, कैबिन लैंप, और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल हो गए कुछ तरह की, इसमें फ्रंट सीट्स रहती हैं जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है, और ये कार का ग्लोव बॉक्स कितने साइज का रहता है ये, और ये को ड्राइवर साइड डोर, इस कार का डोर बना हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, स्पीकर, वाटर बोटल के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, और ये कार का IRBM मैनुअल टेनलाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ओवर कुछ तरह का फ्रंट सीट और बैक का जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलते हैं इस कार की रियर सीट पर, बाबर को इतना स्पेस मिल जाएगा, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहाँ पर, मेरी हाइट 6 फीट है, वैसे कितना लेग रूम रहेगा इस कार में, और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगता है। डैशबोर्ड फ्रंट में आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको कैबिन लैंप दिया जाता है जो कि हैलोजन में रहेगा, ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पर, फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे, और रियर सीट वेंट्स हो गए यहाँ पर, सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, चार्जिंग सॉकेट कुछ साइज का रहेगा, फिर यहाँ पर बम्प, और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, सभी फीचर्स मिलने वाले हैं, फीचर्स में कोई भी कमी नहीं रहेगी इस कार के इंटीरियर में अगर आप देखते हैं तो, ओवरऑल कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए, तो ऐसा नहीं कुछ तरह का इस कार का बुक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए, ऐसे के जो फीचर्स में डिफरेंस था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर फोग लैंप्स हो गए, रियर डिफोगर हो गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कुछ ऐसे फीचर्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं, और इंटीरियर में आपको रियर पास ट्रे मिल जाएगी, कीलेस एंट्री विद पुश स्टॉप बटन, और इंटीरियर में आपको 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स दिए जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग का फीचर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रियर पास ट्रे, कुछ ऐसे फीचर्स आपको STK+ वेरियंट में ऑफर करे जाते हैं जो की आपको STK वेरियंट में नहीं मिलते हैं, प्राइस में डिफरेंस मैंने आपको बताया दिया था, 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है STK और STK+ वेरिएंट में, और जो प्राइस भी है STK+ वेरिएंट का वो 11,40,000 रुपीज है, एक शोरूम रखो, ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा।